class, myself Prerna Nishad, your science teacher. This is your cover page of your book, and today we complete our exercise from chapter number 4, and the question is, draw the structure of life cycle of following animals. देखिए हमें इसमें क्या करना है, आपको कुछ structure draw करने हैं जो कि आप अपनी copy में करेंगे. ये आपका first question है life cycle of a frog, ठीक है, एंड सेकेंड है लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, थर्ड लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. सो फर्स्ट में आपको क्या बनाना है ये आप देख लीजिए बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. देखें ये है आपकी लाइफ साइकिल फ्रॉग की. देखें पहले एग आते हैं, फिर टैडपोल बनता है, फिर मेटामॉर्फ बनता है, एंड देन फ्रॉग बनता है. ये आपकी लाइफ साइकिल है. ये स्ट्रक्चर आपको पेस्ट नहीं करना, ये आपको बनाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में बनाएंगे. सेकेंड लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, तो यहाँ देखेंगे एग्स आते हैं, 6 to 7 वीक्स में ये निम्फ्स बनते हैं, एंड 9 to 13 मंथ्स में ये अडल्ट हो जाते हैं. ये आपकी पूरी की पूरी कॉकरोच की एक लाइफ साइकिल दिखाई गई है, ठीक है, इसको भी आपको बनाना है अपनी कॉपी में. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, ठीक है, इसमें आपको बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर दिखाना है. सो देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले एग से स्टार्ट होता है बटरफ्लाई, जो एग देती है वो, फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद आपका कैटरपिलर बनता है, देन आपका बटरफ्लाई, ठीक है. सो ये आपको पूरा तीनों स्ट्रक्चर आपको कॉपी में बनाना है, पेस्ट नहीं करेंगे आप, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ आपको पेस्ट नहीं करना है, ठीक है. आज के लिए, फिर बाकी आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.